नमस्कार, स्टडी बडी पर आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। व्यक्तित्व के जो थ्योरी थी वो हम पहले कर चुके हैं, आज विधियाँ करेंगे। छोटा सा चैप्टर है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। आइए देखते हैं। व्यक्तित्व मापन की तीन मुख्य विधियाँ हैं। पहला प्रकार है व्यक्तिनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव, दूसरी है वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव, और तीसरी है प्रक्षेपी यानी प्रोजेक्टिव। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये हैं क्या। सब्जेक्टिव विधियाँ वो होती हैं जिनमें बायसनेस की संभावना होती है। जो सब्जेक्ट है यानी जिसके बारे में हमें डेटा लेना है, जिसके बारे में जानकारी लेनी है, पर्सनैलिटी जिसकी जांचनी है, वही मोस्टली जवाब देता है, और वो जवाब सही नहीं भी हो सकते, भेदभाव हो सकता है उसमें। वस्तुनिष्ठ विधियाँ वो होती हैं जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं मोस्टली, ये इनमें बायसनेस नहीं होती। और प्रक्षेपी वो हैं जो अपने अनकॉन्शियस माइंड का प्रक्षेपण करते हैं, अनकॉन्शियस माइंड के लिए प्रयोग की जाती हैं विधियाँ। चलो देखते हैं, हमारी जो मेथड्स हैं वो एक बार दोबारा देख लेते हैं। मेथड्स ऑफ पर्सनैलिटी हैं, असेसमेंट हैं, सब्जेक्टिव हैं, इनमें ऑटोबायोग्राफी आता है, केस स्टडी आता है, इंटरव्यू आता है, क्वेश्चनर आता है, बायोग्राफी भी इसी में आएगा। ऑब्जेक्टिव टेक्निक हैं, इसमें ज़्यादातर मिनिएचर लाइफ सिचुएशन हैं, ऑब्जर्व्ड ऑब्जर्वेशन हैं, या साइकोलॉजिकल मेजर्स हैं यानी टेस्ट हैं, और रेटिंग स्केल आती है। प्रोजेक्टिव में जो फेमस हैं ज़्यादा, सबसे रोशा इंग्लो टेस्ट है, थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट है, चिल्ड्रन एप्रिसेप्शन टेस्ट है, टेंटोफोन है, प्ले टेक्निक है, टेंटोफोन ये स्किनर का द्वारा डेवलप किया हुआ था, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, पिक्चर एसोसिएशन टेस्ट है, और इनकम्प्लीट सेंटेंस टेक्निक है। और दो तरीके और भी थे, साइको एनालिटिकल जो फ्रायड की दी हुई थी, फ्री एसोसिएशन टेस्ट और ड्रीम एनालिसिस टेस्ट। ड्रीम एनालिसिस टेस्ट के बारे में हम थोड़ा सा कल जिक्र कर चुके थे। फ्री एसोसिएशन टेस्ट का मतलब होता है कि जो कैंडिडेट होता है उसके साथ खुले संबंध बनाए जाते हैं, एक तरह से दोस्ताना व्यवहार बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा खुल के बता सके वो, जस्ट ऐसा ही होता है और कुछ नहीं। खैर आगे देखते हैं, पहले सब्जेक्टिव विधियाँ देख लेते हैं। सब्जेक्टिव विधियाँ वो होती हैं जो चेतन मन का मूल्यांकन करती हैं, ध्यान रखें चेतन का ही मूल्यांकन करते हैं। हमारे व्यवहार का चेतन है वो सिर्फ 10% होता है, और अचेतन होता है वो 90% होता है, तो सिर्फ 10% का ही मूल्यांकन कर पाती हैं। इनके जवाब पक्षपात रहित नहीं होते, यानी इनमें पक्षपात होता है, भेदभाव होता है। कुछ विधियां हैं, इंट्रोस्पेक्शन है जो सबसे प्राचीन है, ध्यान रखें सबसे प्राचीन विधि इंट्रोस्पेक्शन है, और ये विलियम वुड की दी हुई है, अंतर्दर्शन हिंदी में बोलते हैं। खुद में झांकना या सबसे खुद में झांकना इसका मतलब होता है, यानी कोई आपको ये कह दे कि आप बताइए आप कैसे हैं, और आप ये कहें कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, ये दैट इज़ इंट्रोस्पेक्शन। ऑटोबायोग्राफी खुद की होती है, ये इसमें भी बायसनेस होती है। उसके बाद आता है बायोग्राफी, हम दूसरे की बायोग्राफी जीवनी लिखते हैं उसको बायोग्राफी बोलते हैं, दूसरे के बारे में किसी दूसरे की जीवन की कथा। क्वेश्चनियर है, क्वेश्चनियर सिर्फ क्वेश्चनों की सूची होती है और कोई खास बात नहीं, इसको इंटरव्यू भी कह सकते हैं। अगर ये पर्सन हम लेके किसी से पूछ रहे हैं तो ये इंटरव्यू हो जाएगा। अगर किसी के पास पर्सनालिटी भेज रहे हैं और वो खुद टिक मार्क कर रहा है, यस या नो कर रहा है, या ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड है, दोनों तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। ध्यान रखें ओपन एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जिनमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो पूछ लिया गया आपसे कि मुझे जब सर्दी लगती है तो, आगे आपकी मर्जी है कि आप क्या लिखते हो। और क्लोज एंडेड वो होते हैं जिनमें यस या नो यानी ऑप्शन होता है, फॉल्स ट्रू है, यस या नो है, या फिर कोई ऑप्शन दे रखा है वो, तो दोनों तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं पर्सनालिटी में। इन्वेंट्री और क्वेश्चनियर दोनों मिलते जुलते हैं, बस फर्क इतना है कि क्वेश्चनियर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ऑब्जेक्ट यू से लिए जाते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है, और इन्वेंट्री में सीधा ऐसा लिखा जाता है कि मुझे ऐसा लगता है, और फिर आगे आपको ऑप्शन मिलते हैं। फिर इसके बाद इंटरव्यू इसी तरह की है, बस फर्क इतना है कि अनपढ़ के लिए कामयाब हो सकता है, जो रिसर्चर है वो खुद उन शब्दों को बोलता है। दो तरह का इंटरव्यू हो सकता है, स्ट्रक्चर्ड हो सकता है और अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड होता है जो प्री प्लान्ड होता है, और अनस्ट्रक्चर्ड होता है कि एक्सीडेंटल, एक तरह से कोई भी कभी भी मिला और जो दिमाग में आए वो प्रश्न पूछ लिए गए। केस स्टडी है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें डिटेल्ड स्टडी होती है किसी के बारे में, हर एरिया से के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। हो सकता है जैसे आपकी केस स्टडी करनी हो तो आपके मेडिकल हिस्ट्री भी पता करनी पड़ेगी, यानी आपके डॉक्टर से भी पूछना पड़ेगा, आपके पेरेंट्स से भी, आपके एजुकेशन से भी, आपके टीचर्स से भी, जो भी आपके नॉन हैं उन हर एक से डाटा कलेक्ट किया जाता है। डिटेल स्टडी होती है किसी भी आदमी के बारे में, केस स्टडी। तो थोड़ा सा अगर ये जिक्र आ जाए कि किसी के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी चाहिए, डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो केस स्टडी मेथड है ये। इसके बाद आता है
ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो होते हैं जिनमें ये भी सचेतन का ही मूल्यांकन करती हैं, ये पक्षपात रहित होती हैं। ध्यान रखें, स्टैंडर्डाइज टेस्ट के द्वारा किए जाते हैं तो इनमें पक्षपात नहीं हो सकता, यानी जो स्कोरर होता है वो अपनी मर्जी नहीं चला सकता। रेटिंग स्केल इसमें शामिल है, रेटिंग स्केल यानी 5 की या 7 की या 9 की रेटिंग स्केल होती है, उसमें रेट करना होता है कि आदमी को आप कहाँ मापते हो, कितना ईमानदार है, कितना अच्छा है, इस तरह के। और दूसरी बात है ऑब्जर्वेशन, ये रिसर्च ऑब्जर्वेशन है, अगर कोई एक्सपर्ट है तो की बात होती है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आता है। सोशियोमेट्रिक मेथड है, सोशियोमेट्रिक जैकब मोरेनो के द्वारा दी गई थी, इसमें समाज के जो संबंध है, सोशल स्टेटस जानने के बारे में, जानने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। और सामाजिक संबंध है किसी के दूसरों के साथ किस तरह के हैं, ये जानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये अलग से चैप्टर आएगा, हम डिस्कस करेंगे। स्टार कौन वो होते हैं जिनको ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं, आइसोलेट वो होते हैं जिनको कोई पसंद नहीं करता यानी नापसंद करते हैं ज़्यादातर, और घोस्ट वो होते हैं जिनको कोई ना तो नापसंद करता ना ही पसंद करता, यानी इग्नोर कर दिया जाता है, उनको घोस्ट बोला जाता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स वो रिकॉर्ड्स होते हैं जो टीचर बनाते हैं क्लास में, क्लास में नहीं स्कूल में कह सकते हैं आप, एक बच्चे के बारे में की खास खास उपलब्धियां हैं, मैन मैन इवेंट्स हैं, उनको डिटेल करके लिख लिया जाता है। जैसे मान लो एक बच्चा है, उसने आज कोई मेडल प्राप्त किया तो उसके बारे में सारी बात लिख ली, आज वो किसी विशेष पोजिशन पे आया वो लिख लिया, आज किसी से झगड़ा किया वो भी लिख लिया, कोई भी विशेष बात हो लाइफ की, मान लो 6-7 घटनाएँ हो गई 1 साल की, तो 10 साल में कई सारी घटनाएँ हो जाएंगी, वो बाद में काम आती हैं, फिर एनेक्डोटल रिकॉर्ड बोलते हैं। घटना वृत्तांत हिंदी में इसका शब्द है। 16 PF केटल का है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, ध्यान रखें। 16 सोर्स ट्रेट थे, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर है केटल के द्वारा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। उसके बाद है मिनी शोटा मल्टी फेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, ये कई बार पूछा गया है, ये बस ये पूछा जाता है कि यह है MMPI लिखा जाता है, किस चीज़ का टेस्ट है, ये पर्सनैलिटी का है। तो दूसरा एक EPI भी होता है, आइजेंक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, ये भी पर्सनैलिटी का है। EPQ भी बोला जाता है, इन्वेंट्री की जगह पे क्यू भी इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे इसको। इसके बाद देखते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक। जो प्रोजेक्टिव टेक्निक है वो जो शब्द है ये सबसे पहले सिगमंड फ्रायड ने इस्तेमाल किया है, और प्रक्षेपण का अर्थ होता है कि जो आपका अवचेतन मन है उसकी बातों का सीधा बाहर निकलना। इनमें जो चीज़ें होती हैं या बातें होती हैं या तस्वीरें होती हैं वो अनिश्चित होती हैं, अर्थहीन होती हैं, रचनाहीन होती हैं, और वो अचेतन मन में भावनाओं का प्रतिबिंब होती हैं एक तरह से। मान लो कोई इमेज है जिसमें कि कोई तस्वीर है ही नहीं और आपसे पूछा जाए कि ये है क्या चीज़, तो आप क्या इमेज बनाएंगे, आपके अंदर अनकॉन्शियस माइंड में जो छिपी पड़ी है वो इमेज उससे मैच होएगी और आपको लगेगा कि ये चीज़ ये है, तो हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके अनकॉन्शियस में क्या दबा हुआ है। प्रोजेक्टिव टेस्ट इज अ टाइप ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट इन विच द इंडिविजुअल ऑफर्स रिस्पॉन्सेज टू एम्बिगुअस सीन्स वर्ड्स और इमेजेज। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, एम्बिगुअस होते हैं ये। फिर इसके बाद आता है कि अनकॉन्शियस माइंड से संबंधित होती हैं, डिजायर्स हों छिपी हुई या हिडन अनकॉन्शियस माइंड के अंदर कोई भी भय वगैरह हों उनको निकालने के लिए होते हैं। इसके बाद आते हैं हम, पहला टेस्ट था प्रोजेक्टिव टेक्निक का रोसचार्ज इंक ब्लॉट टेस्ट है। इसने क्या किया, 10 कार्ड लिए सफ़ेद कागज़ के और उस पर स्याही टपका दी और उनको बीच में से मोड़ दिया, तो स्याही के धब्बे हो गए 10, और उनसे लोगों से पूछा गया कि आपको इसमें से क्या दिखता है, आप इस कार्ड को आराम से देखें, उलट पुलट के देखें, किसी भी तरह से देखें, जो आपके दिमाग में विचार आता है वो बताइए कि आपको क्या दिखता है। ये 10 कार्ड थे, 5 इनमें ब्लैक एंड वाइट थे और 2 ब्लैक वाइट एंड रेड थे और 3 थे वो मल्टी कलर थे। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है पेपर में, थोड़ा सा ध्यान रखें किस तरह से है। 2 ब्लैक एंड वाइट हैं, बाकी 5 मल्टी कलर हैं, ये भी सही है, ये भी मल्टी कलर हो गया, 2 कलर हैं सॉरी, इसमें वाइट एंड रेड, रेड और ब्लैक वाइट इसमें कार्ड है, तो 2 कलर हो गए, इसमें 3 कलर थे। फिर इसके बाद आता है टाइम बाउंड नहीं होता, किसी भी प्रोजेक्टिव टेक्निक में टाइम बाउंड होता ही नहीं है। उसके बाद आता है स्टूडेंट कैन से वट एवर कम्स इन माइंड, जो भी उसके दिमाग में आता है वो कह सकता है। अलग अलग लोगों का अलग अलग चीज़ दिखाई दे सकती है, वो डिपेंड करता है कि उसके अनकॉन्शियस माइंड में क्या चीज़ छुपी हुई है, उसी से वो अर्थ निकालेगा। फिर उसके बाद आते हैं कि कैसे एनालिसिस किया जाता है, मेन मेन बातें बता देता हूँ, ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे। पहली चीज़ें हैं, 4 चीज़ें जो ऑब्जर्व की जाती हैं। सबसे पहली चीज़ देखी जाती है कि लोकेशन, यानी वो उस इमेज को कहाँ से देख रहा है, यानी वो पूरा वाइड देख रहा है या डिटेल, बड़ी डिटेल्स देख रहा है, छोटी डिटेल्स देख रहा है, या स्मॉल डिटेल्स देख रहा है, या फिर कोई
कुछ और इनर डिटेल्स देख रहा है, इस तरह की बातें हैं। ये चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएंगी, चार चीज़ें पूछी जा सकती हैं बस, लोकेशन, दूसरी चीज़ है कंटेंट की क्या देख रहा है, ह्यूमन फिगर देख रहा है, एनिमल देख रहा है, नेचर देख रहा है, कुछ इस तरह से। फिर तीसरा है ओरिजिनलिटी है, यानी ओरिजिनलिटी का मतलब ओरिजिनल, और पी का मतलब है पॉपुलर, कि और कि कॉमन बात देख रहा है जो लोग देखते ही हैं, या फिर कोई नई चीज़ देख रहा है। और एक होता है डेटरमिनेट, डेटरमिनेट का मतलब होता है कि वो फॉर्म देख रहा है, यानी किस तरह की आकृति देख रहा है, उसमें कलर कोई देख रहा है या नहीं, उसमें कोई शेडिंग देख रहा है या नहीं, कोई मूवमेंट देख रहा है या नहीं, चार चीज़ें होती हैं इसमें। तो ये चार चीज़ें हैं, लोकेशन, कंटेंट, ओरिजिनलिटी और डिटरमिनर, ये चार चीज़ें नॉर्मली देखी जाती हैं इंटरप्रिटेशन के लिए। ये आगे की चीज़ें नॉर्मली आपसे नहीं पूछी जाएंगी, सेट में नहीं आती। अगला आता है हम थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट। जो थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट है, ये मुरे एंड मॉर्गन ने बनाया था, और ये इसमें जो कार्ड हैं वो पेंटिंग्स हैं, ह्यूमन फिगर हैं सारे के सारे, 31 कार्ड हैं जिनमें 30 पिक्चर हैं। थोड़ा सा ध्यान रखें, 31 कार्ड हैं और 30 पिक्चर्स हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। टेट इज इंटेंडेड टू इवेलुएट ए पर्सनस पैटर्न ऑफ थॉट, कि वो किस तरह से सोचता है, एटीट्यूड, एटीट्यूड जानने के लिए इस्तेमाल होता है, जितने भी प्रोजेक्टिव टेक्निक हैं वो एटीट्यूड जानने के लिए इस्तेमाल होती ही हैं। ऑब्जर्वेशनल कैपेसिटी के लिए भी जाना इस्तेमाल किया जाता है, इमोशनल रिस्पॉन्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। एम्बिगुअस टेस्ट मटेरियल होता है, डेवलप्ड बाय मुरे एंड मॉर्गन, 14 साल से बड़े बच्चों के लिए है, ध्यान रखें। ये सोशल स्टेटस या सामाजिक जो ढांचा है, सामाजिक रिलेशनशिप है, वो जानने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद आता है कि इसमें 31 कार्ड हैं, 30 कार्ड हैं वुमेन फिगर हैं, उसमें 10 कार्ड ऐसे हैं जो पुरुषों के लिए हैं, और 10 कार्ड ऐसे हैं जो महिलाओं के लिए हैं, और 10 हैं जो कॉमन है सबके लिए। तो अगर ये पूछा जाए कि किसी एक पुरुष को कितने कार्ड मिलेंगे, तो 10 जो कॉमन वाले हैं वो मिलेंगे, और 10 जो पुरुष वाले हैं वो मिल जाएंगे। तो 20 कार्ड तो पेंटिंग के मिल जाएंगे, और एक खाली कार्ड मिलेगा, यानी 21 मिलेंगे टोटल। एक है द सब्जेक्ट इज आस्क टू टेल द एग्जामिनर स्टोरी, हर एक कार्ड पे आपको एक स्टोरी बुननी होती है। नॉर्मली जो स्टोरी है उसमें जो एग्जामिनर है ये तीन चीज़ें पूछता है, व्हाट इज गोइंग ऑन, आपको क्या लगता है कि क्या हो रहा है इसमें फिलहाल, और आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कारण क्या रहा होगा, और आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है। तीन चीज़ें नॉर्मली पूछी जाती हैं, तो उस पर आपको एक स्टोरी बनानी होती है। उस स्टोरी से अंदाजा लग जाता है कि आपके अनकॉन्शियस में क्या छिपा हुआ है, आपका सोशल बैकग्राउंड किस तरह से आपको प्रभावित कर रहा है, इस तरह की चीज़ें। देखते हैं इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं। पॉइंट्स टू बी ऑब्जर्व, पहले देखते हैं कि उसने हीरो किस चीज़ को लिया, खुद को माना जाता है हीरो, बड़े को लिया, बच्चे को लिया, या कुत्ते को लिया, सॉरी जानवरों के नहीं होते इसमें, इंसानों के होते हैं, किसको हीरो लिया। दूसरा है थीम क्या लिया, थीम डरावना लिया, जंगल का लिया, नेगेटिव लिया, पॉजिटिव लिया, किस तरह का थीम लिया। एम्फेसिस ओमिशन का मतलब होता है किस बात पे ज़्यादा बल दिया और किस बात को उसने नेगलेक्ट कर दिया। और अगली बात है बिहेवियर ड्यूरिंग राइटिंग, जब वो स्टोरी लिख रहा है तब उस दौरान उसका बिहेवियर किसका है, वो जोश में है, खुशी में है, उदासी में लग रहा है, क्या तरह का, और उस स्टोरी का एंड किस तरह का उसने किया है, ये सारी चीज़ें नोट की जाती हैं उस टाइम। उसके बाद आते हैं हम अगला, चिल्ड्रन एप्रिसेप्शन टेस्ट, छोटे बच्चों के लिए टेस्ट बनाया था ये, चिल्ड्रन एप्रिसेप्शन टेस्ट। मैं याद करने के लिए करता हूँ कि बालक ने ही बनाया था, एक्चुअल में ये बेलाक है जिसने बनाया था। इसमें 10 कार्ड्स हैं और वो एनिमल फिगर्स हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें, 10 कार्ड्स विद एनिमल फिगर्स। चिल्ड्रन एप्रिसेप्शन में एनिमल फिगर हैं, टैट जो सॉरी थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट था उसमें ह्यूमन फिगर हैं, 30 पेंटिंग है और एक खाली कार्ड। इसके बाद आते हैं कि इसमें क्या चीज़ है, डेवलप्ड बाय लियोपोल्ड बेलाक, 10 कार्ड हैविंग एनिमल इमेजेस, चिल्ड्रन है 3 से 10 साल तक के बच्चों के लिए है। जो पहले वाला था वो 14 से बड़े बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद है यूज नो सोशल एंड फैमिली सिचुएशंस के लिए इस्तेमाल होता है, ये भी इमोशनल कंडीशन भी जानने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद आता है दूसरी प्रोजेक्टिव टेक्निक कौन कौन सी है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनमें से प्रोजेक्टिव टेक्निक कौन सी है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, ये गाल्टन ने दिया था, तो ये प्रोजेक्टिव टेस्ट है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट किस तरह से होता है बता दूं, कि जो टीचर है मान लो आपको ये बोल देगा कि मैं कोई वर्ड बोलूँगा कुछ भी, और आपको जो भी दिमाग में आए आपको एक शब्द जरूर बोलना है, कुछ भी बोलना है जो आपके दिमाग में सबसे पहले आए। मान लो मैंने बोल दिया चूहा, तो आप कुछ भी बोलेंगे, आप मैंने बोल दिया कि पेंसिल, तो आप आपको कुछ भी बोलना होगा, तो जो शब्द आपके दिमाग में निकलेंगे वो अनकॉन्शियस माइंड से निकलेंगे, क्योंकि आपके पास कोई लॉजिक नहीं होगा। दूसरा है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, सेंटेंस अधूरे छोड़ दिए जाते हैं, आपको कंप्लीट करने होते हैं। स्टोरी कंप्लीशन भी ऐसे ही होते हैं, पिक्चर कंप्लीशन भी होते हैं इसी तरह से, आपको पूरे करने होते हैं। पिक्चर कलर भरना होता है वो भी ऐसे ही होता है, फिगर ड्राइंग है, कोई भी ड्राइंग हो, कोई भी ड्राइंग, फिगर ड्राइंग नहीं, कोई भी ड्राइंग हो वो प्रोजेक्टिव टेक्निक होगी,
हैंड राइटिंग, आपकी हैंड राइटिंग है वो आपके बारे में सब कुछ बताती है, आपके पर्सनैलिटी के बारे में आपका कोई कंट्रोल नहीं है, प्रोजेक्टिव टेक्निक है, या फिर बॉडी लैंग्वेज है वो प्रोजेक्टिव है, स्टोरी टेलिंग है, स्टोरी कंप्लीशन है ये भी, और रोल प्लेइंग है, ड्रामा है, पेपेट्री है, ये सारे के सारे प्रोजेक्टिव टेक्निक हैं, कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें। एक दो चीज़ें और देख लेते हैं, जो प्रोजेक्टिव टेक्निक है इनके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि स्कोरिंग इज हाईली सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब ये है कि जो स्कोर करने वाला है, जो एग्जामिनर है, वो अपने हिसाब से अनुमान लगाता है, अपने हिसाब से अनुमान लगाता है, तो वो पता नहीं किस तरह से स्कोर दे, किसी को गलत दे सकता है, किसी को ठीक दे सकता है, तो इसमें बायसनेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सबसे बड़ी डिमेरिट यही है, और कोई खास बात नहीं है। रिलायबिलिटी इसकी अच्छी नहीं होती, वैलिडिटी अच्छी नहीं होती। रिलायबिलिटी वैलिडिटी की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैं उसकी सबसे ज़्यादा होती हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैं वो रेटर बायस नहीं होता उनमें, और वैलिडिटी उनकी अच्छी होती है प्रोजेक्टिव टेस्ट की बजाय। जो प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं वो पुअर रिलायबल होते हैं, पुअर ही वैलिडिटी होती है। बस ये ठीक है कि ये अनकॉन्शियस माइंड का अध्ययन कर लेते हैं, सिर्फ यही इनका पॉजिटिव पॉइंट है, बाकी रिलायबल नहीं होते, वैलिड नहीं होते। रिलायबल और वैलिड का मतलब क्या होता है? वैलिड का मतलब होता है वैलिडिटी, वो चीज़ होती है जिस चीज़ के लिए जो बना है उसी चीज़ को जांचना, अगर उसको पूरा पूरा जांचना है, जांच रहा है, दैट इज़ वैलिड, और उसको नहीं जांच रहा है या अधूरा जांच रहा है, दैट इज़ नॉट वैलिड। और रिलायबल का मतलब होता है कंसिस्टेंसी इन रिजल्ट्स, जो रिजल्ट हैं वो एक जैसे ही रहें, अगर रिजल्ट्स अलग रहे, अलग हो रहे हैं तो रिलायबल नहीं है। जैसे मान लो एक टेस्ट मैंने आज आप किसी बच्चे से लिया, बच्चे ने 100 में से 80 स्कोर कर दिया, कल फिर मैं वही स्कोर, वही टेस्ट बच्चे से ले रहा हूँ, सेम सेम टेस्ट, और बच्चा उसमें 90 स्कोर कर देता है, यानी पहले 80 कर रहा था फिर 90 कर दिया, तो टेस्ट इज नॉट रिलायबल, क्योंकि स्कोर कल वाला और आज वाले में वेरी कर रहा है, इतना अंतर नहीं होना चाहिए। रिलायबल का मतलब है सेम स्कोर रहेगा चाहे वो कितने दिन टेस्ट लेते रहो। फिर इसके बाद है ऑब्जेक्टिव टेस्ट कांट प्रोवाइड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में बस एक डिमेरिट है कि वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। जैसे मान लो कि जब वो टेस्ट दे रहा है तो उस टाइम बच्चे का व्यवहार क्या था, क्या महसूस कर रहा था, या कितनी स्पीड से वो काम कर रहा था, कुछ और बातें होती हैं और भी। अब आते हैं, एक दो फोटो हैं, ये वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है कि आई एम गोइंग टू से वर्ड एंड यू से द फर्स्ट वर्ड दैट कम्स इन टू योर माइंड, ये वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, अदर देन व्हाट आई से, जो मैं कहता हूँ उसके अलावा आपको कुछ बोलना है। इसके बाद है, ये पेपर में आया था शायद, हाउस ट्री पर्सन कुछ ऐसा आया था, ड्राई पर्सन टेस्ट है ये, या हाउस ट्री पर्सन है, या काइनेटिक फैमिली ड्राइंग है, कोई भी ड्राइंग कहीं भी हो तो प्रोजेक्टिव टेक्निक। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और इसके बाद जैसे ही सब्सक्राइब करते हैं तो उसके बाद एक बेल बटन आएगा, वो बेल बटन दबाइए ताकि जो नया वीडियो हम डालें वो आपके पास तुरंत पहुँचे। धन्यवाद।